जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तो तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा है, इसे पूरा तुझे ही करना। और अब तुम दूसरों से नहीं, खुद से झूठे वादे करने लगे हो, खुद से फेक प्रॉमिसेस करते हो कि कल से 8 घंटा पढ़ूंगा, 15 दिन बाद जो एग्जाम है उसमें फोड़ दूंगा, अब मैं इंस्टाग्राम बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, अब ये मोबाइल गेम नहीं खेलूंगा। फिर क्या होता है? झूठे वादे, एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ वादे कर रहे। धीमे धीमे तुम्हारा अपने ब्रेन के साथ, अपने दिल के साथ कनेक्शन टूट रहा है, इसीलिए तुम्हारा खुद के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो चुका है। कहते हो ना यार, अभिषेक तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा यार, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा यार, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तू करता ही नहीं है भाई, इस तरह की फेक प्रॉमिसेस अपने दिमाग से करता है, कोई एक्शन लेता नहीं, खुद की क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, क्रेडिबिलिटी के बाद ट्रस्ट खत्म होता है, और ट्रस्ट के बाद खुद से खुद का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, कितने भी जतन कर लो, कुछ लोग तुमको लाइफ में नहीं मिलेंगे बेटा, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप उनके पीछे दिन रात एफर्ट करते रह जाओ, और पता है एक लिमिट से ज्यादा उनके लिए एफर्ट करना इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। तुम्हारे अगल बगल कितने खूबसूरत लोग हैं, कितने खूबसूरत रिश्ते तुम्हारे पास हैं, उनकी वैल्यू करो यार। जो भी रिश्ता तुम्हारे पास है ना, माँ का, बाप का, दोस्तों का, भाई बहन का, टीचर्स का, जो भी रिश्ते तुम्हारे पास है ना, उनको समय दो यार। जो रिश्ते तुम्हारे पास है ना, मेक इट ब्यूटिफुल, उनको टाइम दो, जान फूंक दो। लोग जान फूंक रहे हैं इसके लिए। अगर सिलेक्शन चाहते हो, नहीं चाहते हो तो छोड़ो यार, क्यों पढ़ रहे हो, इस रेस में मत पढ़ो, इस रेस में कुछ नहीं मिलना है। अगर मेहनत नहीं करोगे बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिलता है सिर्फ, इस रेस में मेहनत करना है, या तो आओ मत यहाँ। मैं तो कहता हूँ जरूरी नहीं हर बच्चा आए डॉक्टर, आए हो तो बेटा करो। ना पढ़ने का तुम्हारे पास 1000 बहाना है, ना पढ़ने का तुम्हारे पास 1000 बहाना है, पर अब ये फैसला तुम्हारा है कि जीवन भर दूसरों के व्हाट्सएप स्टेटस देखने हैं या खुद का अपना एक स्टेटस बनाना है।